कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बुधवार को अपने चुनाव अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बरसते पानी में दूधाधारी मठ पहुंचे और भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने माथा टेक कर लोगों के घर घर दस्तक देने निकले। कांग्रेस की प्रगति पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, महापौर एजाज ढेबर सहित अन्य नेता राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचे। लोगों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया। सभी को नमस्कार करते हुए उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, एक तरफ जहां जम बारिश और दूसरे तरफ आपकी उपस्थिति और आपका जोश, सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ का महीना, तो आप सबको भगवान भोलेनाथ आप सब की कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना करते हुए आज रायपुर में दूधाधारी मठ में टिकरापारा थाना में गए पहला आंदोलन, हमारा टिकरापारा थाने का दूसरा आंदोलन सिटी कोतवाली, तीसरा आंदोलन सत्तू भैया का क्षेत्र, सारे थानों में जाके जितने राशन कार्ड जिनके कटे थे सबको बिठा दिए, एफआईआर करा दिए। और हुआ ये, जिस राशन कार्ड में कैंसल लिखा था, जिसको उन्होंने खारिज कर दिया था, उस राशन कार्ड में भी चावल यदि किसी ने दिलाया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। पहले नगर निगम में, नगर निवेश में, कार्यालयों में जाके लोगों के चप्पल घिस जाते थे, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। अब तो सीधा एक फोन करो, मितान आते हैं घर में और सीधा आपके जो डॉक्यूमेंट वो लेते हैं और 8 दिन 15 दिन के भीतर में आपके घर में आके वो जो जितने भी 13-14 प्रकार के जो सुविधाएं हैं लोगों को घर बैठे मिल रही है। महापौर भी एक दिन मितान के इसमें मंदी रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं रहा, क्योंकि मजदूरों के जेब में पैसा हमने डाला, तेंदुपत्ता संग्राहकों के जेब में पैसा डाला, किसानों के जेब में पैसा डाला, बेरोजगार जो साथी है उसको 2500 रुपया दिया, परसों ही हमने बांटा 1,22,000 जो बेरोजगार है उसको 2500 रुपये महीना। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया था, कितना? 500 रुपया, फिर बढ़ाया 1100 रुपया, 14 साल बांटे, 15 साल बंद कर दिया, और कितना बांटा? 98 करोड़ 14 साल में। लेकिन हमारी सरकार 1 अप्रैल से हमने शुरू किया, आज जुलाई का आखिरी, अब अगस्त लगा है, 4 महीने में ही 112 करोड़ रुपया बांट दिया, 14 साल में 98 करोड़ और 4 महीने में 112 करोड़। तो गरीब ये स्थिति आज छत्तीसगढ़ की, तीज त्योहार छत्तीसगढ़ या ओलंपिक, ये सब छत्तीसगढ़ी बोली भाखा सबका सम्मान हमने बढ़ाने का काम किया है। और ये लोग भगवान राम के नाम से वोट मांगते, गाय के नाम से वोट मांगते, गाय माता कभी सेवा नहीं की, 10,000 से अधिक गौठान हमने शुरू किया है और साथ ही राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बनाया है। चंदखुरी मंदिर को हमने सजाया, दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर, उसका सौंदर्यीकरण हमने किया है, उसको भी सजाया, हजारों लोग श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। श्री नारायण को हमने उसका सौंदर्यीकरण किया, राजिम का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। तो लगातार